अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको सुबह 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 कैसी लगती है। सो करो इधर घूमो घूमो घूमो। फिर भी मैंने चेहरा धोया हुआ, चिट्ठी लग गई ना सुन से ज्यादा। इसे यही खुशी होती है, मैं इसे चिट्ठी लग गई, चिट्ठी गोरी होता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रही है हस्बैंड डैडी, तो हस्बैंड का हम ले लेते हैं जैकेट। आज वैसे अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है, हवा भी उतनी ठंडी जितनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, तो यहाँ पे जैकेट पहनते हैं। फिर हम जैकेट पहनते और इसे कहो कि अपना चेहरा दिखाए सुबह, फिर पता चले। जी फ्रेंड्स, हस्बैंड आते तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ और बाहर का व्यू किस तरह का। यहाँ पे हमारे कपड़े और यहाँ पे हस्बैंड का टिफिन, ये है बर्तन वॉश करने वाले। तो अब हम चलते हैं बाहर, बाहर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे ना अच्छी खासी धूप आ रही है, तो हमारे कपड़े तो हो गया खुशक, तो थोड़ी देर तक हम उतार लेंगे। अभी हल्के हल्के सिले हैं, वैसे तो खुशक है तो हल्के हल्के बस सिले हैं, तो वो फिर बाद में हम उतार लेंगे। अभी हस्बैंड को देखने कहाँ रह गया, हमें बाहर भेज के आप कहाँ रह गया, कहता था चलो चले। कितनी देर है, आप तो टोपी मैन हो गए, चलो फिर चले, मुझे बाहर भेज के आप खुद आए नहीं, तो टिफिन पकड़ लो अपना, बाइक से आ करने वाला वहाँ पे कपड़ा, तो चलते हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। आना क्या जिंदगी है मानी, यही जिंदगी है कि बाइक साफ करो तुम, सुबह सुबह उठो काम पे जाओ, शाम को आओ काम करो, करके छोड़ो। बेगमों की बातें सुनो, दिन भर यही काम है बेचारे मर्दों का। आए, कपड़ा गुस्से में फेंक दिया तो हम भी यही फेंक देंगे। तो काम पे जाएंगे, थक हार के शाम को आएंगे, हम फिर शॉप पे बेच देंगे, यही तो डेली रूटीन है। यहाँ पे दूध वाला बिल्कुल पास है, फिर भी हस्बैंड को मैं भेजती हूँ कि दूध खुद लेकर आए। हाँ, जिसने चाय भी नहीं उसने लेकर आनी है, और आज से सब्जी हो सकता है मैं लेकर आऊँ। तो बाहर धूप काफी अच्छी निकली हुई है, यहाँ पे हमारे कपड़ों पे भी धूप जा रही है जबरदस्त वाली, तो देखते हैं बाहर का व्यू। यहाँ पे चिड़ियों की काफ़ी अच्छी मुझे आवाज़ सुनाई देती है, जो मैं काफ़ी अरसे से सुनना भूल चुकी थी, क्योंकि आती नहीं थी यहाँ पे। वो है दरख्त बेरिंग के, तो उस वजह से ये आते हैं। इस बार तो हमें बेर भी खाने मिलेंगे, वहाँ पे है बेर, मैं आपको दिखाती हूँ। छोटे छोटे अभी लगे हुए हैं बेर, बिल्कुल छोटे छोटे से, ये साथ वालों के घर के हैं, तो जब बेर अच्छे से आ जाएंगे तो फिर हम भी खाएंगे लेकर। सुकून से आवाज़ सुनते हम चिड़ियों की, चहचकाने की। कितनी देर है जनाब? जी फ्रेंड्स, ओके ओके, बाय बाय करते हैं, रात को फिर रस बनाएंगे, कि इसको रज की जलील करेंगे और तंग करेंगे, इसका यही काम, हम तंग करते हैं बेचारे को। चीरा देगी हसमुन का। बेचारा सोच रहे मैं कहाँ फंस गया।
शादी करके बेचारा फंस गया। शादी करानी नहीं चाहिए बंदे को, वाकई फंस जाता है। ऐसी बीवी हो ना तो बंदा गया समझो। जो दिन को भी सुकून ना दे ना रात का सुकून दे, बस जलील जलील हो। कहते शादी का लड्डू खाए तब भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए। हस्बैंड वो आदमी है जिसने नहीं खाया था तो मैंने खिला दिए, पछता रहा है। जिसने नहीं खाया था तो नहीं पछता रहा था, मैंने खिला दिया तो पछता गया। ओके बाय। मेरी तो बातें नहीं ख़त्म होती, सुबह सुबह टाइम भी एक होता है कम तो मेरी बातें होती हैं ज़्यादा। रात को हसन काफ़ी ज़्यादा थके होते थे, इस वजह से मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि उनको काम बहुत ज़्यादा दे देती हूँ। तो ऊपर भी धूप है तो हमारी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी सारी, तो बस ऊपर से करनी क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ से हम करेंगे क्लीनिंग, तो बर्तन धोने वाले हैं और तवा धोने वाला है, बस जो चमचा है वो धोने वाले। बाकी यहाँ से क्लीनिंग करेंगे। बाहर से मैंने बिल्कुल क्लीनिंग कर दी थी, पल्ली में जब उठूँगी तब लगाऊँगी, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था। तो अब हम चलते हैं कमरे में, आपको कमरे की भी हाल दिखा देती हूँ फिर बाद में। और कमरे से भी मैंने सफाई कर दी थी, बस यहाँ की नींद हुई तो पल्ली बाद में ही लगेगी एक साथ ही। तो अब हम चलते हैं बाहर, तो जाकर धो लेते हैं बर्तन, फिर बाद में हम सोएंगे। और मशीन यहीं पे रख दी थी क्योंकि कल लगाए थे कपड़े, तो मशीन थी अभी गीली तो इस वजह से, तो टब भी मैंने करना यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो टू गो, काम करते हैं अपना। तो हमारे काम हो गए बिल्कुल ख़त्म, तो अब हमारा टाइम हो गया सोने का। तो हम करते हैं लाइट ऑफ, तो करते हैं आराम। टन टन न न, तो अब हम सोने लगे हैं। बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अपनी वीडियो स्किप करते हैं आगाज़। और टाइम तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, तो मैंने रेडी वगैरह हो गई और घर के सारे काम मैंने कर लिया है। और सुबह ही मैंने सफाई कर ली थी, बस पल्ली लगानी थी, तो पल्ली वगैरह मैंने लगा ली पूरे घर में। तो वहाँ पर मैंने रख दिए कपड़े उतार कर, तो उनकी मैं करूँगी तय वगैरह। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सारे घर की सफाई वगैरह की थी। तो यहाँ पे है कपड़े, इनको अभी मैंने फ़िलहाल तय लगाना है, तो फिर इनको तय लगा कर फिर मैं कैबिन में रख दूँगी। तो अभी वगैरह मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया, तो उठते ही मैंने पहले की घर की काम वगैरह। तो मैं तकरीबन उठ गई थी 12:45, तो फिर मैंने सोचा पहले घर के काम वगैरह सारे फिनिश करके फिर उसके बाद ही मैं सुकून से खाना खाऊंगी, क्योंकि 12:00 हमारी गैस आती है तो इस वजह से। तो अभी मैं करती हूँ कपड़ों के तय लगा कर कैबिन में रखती हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए मैं खाना बनाऊंगी। तो आज मुझे खुद ही जाना पड़ेगा सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि सुबह से ऐसे ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे जिसने दूध पीना है वो खुद अपने लिए दूध लेकर आया करें। तो फिर बाद में हस्बैंड ने मुझे कह दिया था कि अपनी सब्ज़ी भी आप खुद लेकर आया करो, तो इसलिए फिर मैं सब्ज़ी भी खुद लेकर आया करूँगी। तो वैसे ही मैंने सोचा थोड़ी बहुत चहल पहल होनी चाहिए, उस दिन मैं गई थी तो लागे था, तो इस वजह से तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं भी सब्ज़ी ले आया करूँगी, तो थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाया करेगी। वहाँ पर मैं खुद ही जाती थी तो थोड़ा बहुत वॉक हो जाती थी, अच्छा लगता था कि फिर अपने हिसाब से सब्ज़ी लो तो पता चल जाता है। तो हस्बैंड की तरह मालूम नहीं है सब्ज़ी का, तो फिर वो मुझसे पूछ के जाते सब्ज़ी क्या लेनी है, अगर वो सब्ज़ी ना हो तो फिर कॉल करते ये नहीं है फिर ये लाऊं। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं खुद ही जाऊँगी, अगर ये ना मिली तो ये ले आता। तो इस वजह से तो मैं जल्दी से कपड़ों के लगाती हूँ तय, तो फिर बाद में आप लोगों से बातें करूँगा। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि हम सुबह सुबह जो नोक चोक होती है हम दोनों में से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुबह टाइम भी थोड़ा कम होता है तो शायद और मूड होता है फ्रेश वगैरह। तो इस वजह से ना हमारी ये अक्सर ही नोक झोंक होती रहती है छोटी मोटी, ये जब हम मैं वीडियोस नहीं बनाती थी तब भी सुबह जाते दफ़ा अक्सर ऐसा होता ही रहता है कि हम दोनों काफ़ी बातें करते हैं। वहाँ पे हस्बैंड को लेट हो रहा होता है, फिर बाद में आके वो कहते हैं
जाओ कमरे में चले जाओ, दरवाजा बंद कर दो। इस वजह से मेरी बातें नहीं खत्म होती सुबह को जब हसमन काम पे जाने लगते, पता नहीं क्यों इतनी ढेर सारी बातें मेरे जहन में तब आती है जब वापस आती है, तब काम ही नहीं खत्म होते। ये ले आइएगा, ये ले आइएगा, वो रह गया, वो ले आओ, एक साथ तो मैं बताती नहीं ना, मुझे भूल जाता है। एक साथ ही हसमन अभी दुकान पर गए हैं तो मैं एक साथ ही बता देती हूँ कि ये ले आए, ये ख़त्म हो गया, ये ले आए, नहीं एक चीज़ ले आए हैं तो जब वापस आए ओ मुझे याद अभी आया ये भी ख़त्म हो गई ये भी ले। तो इस वजह से ना कभी कभी हस्बैंड को मुझ पर गुस्सा आ जाता है कि एक साथ बताया करो सारी चीज़ें, बार बार शॉप पे जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो चलो बातें करते करते फिर मैं बाहर आ गई हूँ, तो कभी कभी ना मेरी बातें नहीं ख़त्म होती, कभी कभी होती नहीं मेरे पास बातें। जी फ्रेंड्स मैंने कपड़े लगा लिए तय और अब मैं रखने लगी हूँ इसको कैबिन में, तो कैबिन में रखने के बाद ही मैं खाना बनाऊँगी अपने लिए। तो साग का थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ है तो आज भी हम खाएंगे साग के साथ। तो साग में जितना मर्जी खाऊँ ना मुझे बहुत पसंद है, पर डेली मैं साग के साथ ही रोटी खाऊँ क्योंकि साग इज़ फेवरेट। और कड़ी दही की कड़ी से नहीं मुझे इतना टेस्ट आता जैसे लस्सी की कड़ी बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता। यहाँ पर ना लस्सी नहीं हमें मिलती कहीं से भी, तो जहाँ हम रहते थे वहाँ पे एक शॉप थी जहाँ से हम दूध ठीक कराते थे उनसे मिलती थी लस्सी। तो अब देखेंगे अगर फिर कभी गए तो उनसे पूछेंगे अगर लस्सी मिल जाए तो फिर जबर लस्सी होती है खट्टी, दही इतना खट्टा नहीं होता तो उनकी मुझे ना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। तो इस वजह से काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कड़ी खाने को, वो भी लस्सी की। तो चलो ठीक है मैं यहाँ पर रखती हूँ, यहाँ पर मैं सोच रही हूँ अपना दुपट्टा रख देती हूँ बाहर क्योंकि ये मैंने लेना होता, तो यहाँ पे अब मैं जल्दी से कैबिन में रखती हूँ। फ्रेंड्स हमारा खाना रेडी हो गया और ठंडा ठंडे साग के साथ गरम गरम परांठे, तो अब चलते हैं कमरे में बैग के सुकून से खाते हैं, बाद में यहाँ से क्लीन करेंगे। वहाँ पे मैं डब्बा रख दिया है आटे वाला, पानी ऐड कर दिया था, तो अब हम चलते हैं कमरे में सुकून से बैठ के खाएँगे। तो पानी भी ले आते हैं अपने लिए, गिलास और गिलास में पानी हम डाल लेते हैं। तो जी पानी भी हमारा हो गया, तो अब हम कमरे में जाकर सुकून से पीते हैं और यहाँ पे रखते हैं पानी हमारा और यहाँ पे है हमारा खाना। मुझे तो बहुत मज़ा आता है ठंडी ठंडा साग गरम गरम परांठों के साथ। तो मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था क्योंकि मैंने हैवी खाना खा लिया था। जी फ्रेंड्स मैंने रात में खाना नहीं खाया था क्योंकि दोपहर को मैंने कुछ ज़्यादा ही हैवी खा लिया था, उस वजह से फिर मुझे भूख नहीं लगी, तो सुबह मैं वैसे ही सो जाती हूँ। तो अब मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो मैंने अपने लिए बनाने हैं दो छोटे छोटे परांठे, तो मैं खाती हूँ मज़े से। जिसने आना है वो आपके साथ खा सकता है, एंजॉय करे, और मुझे तो साग बहुत पसंद है। जी फ्रेंड्स हमारा खाना वगैरह हो गया डन, तो यहाँ से हम कर लेते हैं क्लीनिंग, तो वो डब्बा भी हम वॉश करेंगे। तो ये थोड़ा सालन बचा हुआ तो मैं सोच रही इसको ना फ्रिज में रख दूँगी, तो शाम के लिए काम आ जाएगा मेरे लिए। तो अभी हमने जल्दी से क्लीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम वो करेंगे, तो फिर उसके बाद ही हम जाएंगे 3-4 बजे सब्जी लेने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रख देती हूँ और फिर वॉश करना भी स्टार्ट कर दूँगी, तवा भी नीचे रख देती हूँ। तो क्लीनिंग के लिए हम कपड़ा ले लेते हैं, तो हम करते हैं क्लीनिंग, यहाँ से अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखें मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दिया है, तो अब हम वो करना कर देंगे स्टार्ट। तो बाद में ही वो मैं ना डब्बा वॉश कर लूँगी, हमें फिलहाल ना थोड़ा सा वो करते हैं और आप लोगों से करते हैं बातें। ये अभी ना गीला था, सही से खुशक नहीं हुआ था, तो इस वजह से ना मैंने फिर दोबारा तार पे डाल दिया। तो चार बजे मैं ले गई थी गमले में, तो मैंने कहा यहाँ से जगह हो जाए खाली, तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए। तो अभी मैं फ़िलहाल कर रही हूँ वो। तो ये मैंने फिर दुपट्टा ले लिया था, इसको मैंने वॉश कर लिया था, तो लेती तो मैं हूँ नहीं, वैसे रखा होता है पास के, कोई आ भी जाए तो इंसान दुपट्टा वगैरह ले लेता है, तो गले में तो उस वजह से गर्मी में तो मैं लेती नहीं दुपट्टा। तो बाहर से आ रही है शोर, क्योंकि लगता है भाई औरतें वगैरह बैठी हुई है धूप सेकने के लिए। तो मैं तो ऐसे कह रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे आए तो कहीं जा भी नहीं रहे, वहाँ पे था आंटी लोगों की तरफ चली गई, हसन लोगों की तरफ चली गई। यहाँ पे तो ऐसे जैसे ना कमरे की हद तक ही रह गई हूँ मैं, बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। और यहाँ से दूर भी तो वो काफ़ी हो गया ना, वहाँ पे था 5 मिनट का रास्ता था उन लोगों की तरफ जाने, अब यहाँ से 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो अकेला जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता मेरा, अकेले मैं जाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ किस दिन हसबैंड छुट्टी करें, फिर उनके फिर उसके साथ जाऊँगी थोड़ी देर के लिए हसन लोगों की तरफ। तो कल वैसे भी संडे है, देखेंगे हसबैंड ने छुट्टी की तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर हसन की मामा को कॉल करूँगी कि आ जाएँ चक्कर लगा जाएँ। पूरा हफ्ता हो गया वो भी लोग नहीं आए, तो पिछले हफ्ते इतवार को आना था तो पता नहीं क्यों नहीं आए। तो कल को मैं कॉल करके बोलूँगी कि आ जाओ। ये होता है बच्चे होते हैं थोड़ा रोने को वगैरह लग जाती है, घर में शोर शराबा होता है, काफ़ी मज़ा आता है। तो देखेंगे क्या होगा, कल का दिन कैसा होगा। अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह हस्बैंड के साथ थोड़ी गुफ्तगु होती है, रात को होती है, दिन को तो अकेले ही मैं रहती हूँ। यहाँ पे तो एक सिग्नल भी नहीं आता कि हस्बैंड को कॉल कर, वहाँ पे दरवाजे के पास जाना पड़ता है तो फिर जाके आवाज़ आती है, वो भी अगला बंदा भी कहता है हेलो 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 हेलो। यहाँ पे आके दरवाजे के पास बिल्कुल आ गया ना फिर बात होती है, कमरे में तो बिल्कुल सिग्नल ही नहीं आते सिमों के। तो इस वजह से फिर मैं कॉल करती नहीं हूँ ज़्यादा, दिन में फिर भी 2-3 बार कॉल चली जाती है, कर देती हूँ मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। जब मैं थक जाती हूँ खड़ी खड़े होकर फिर मैं आ जाती हूँ कमरे में, तो नहीं तो फिर वहीं पे। पहले उस घर में ये होता था 2:30 बजे लाइट जाती थी हमारी, तो 3:30 आती थी, तो 1 घंटा मुसलसल हस्बैंड से बात होती रहती थी मेरी। तो चलो कोई बात नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही है, हर निज़ाम चलता है। तो तकरीबन मुझे हो गया है 20 से 25 मिनट हो गए हैं वॉक करते हुए, तो अब मैं ये लास्ट मेरा राउंड है, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी कमरे में। पहले मैं ना दरवाज़ा खोल के देखती हूँ बाहर का व्यू किस तरह का है, वैसे धूप तो काफ़ी अच्छी खासी निकली है, तो फिर उसके बाद ही मैं कमरे में जाऊँगी। तो वैसे यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ मुझे इतना अच्छा लगता है ना सुनना, इतना अच्छा लगता है, सुबह को भी आती है और मगरब के बाद भी आती है, जब मगरब की अजान हो जाती है उसके बाद अभी भी आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। शादी के पहले जब हम सुबह सुबह उठते थे नमाज सबक पढ़ने के लिए जाते थे, सबक पढ़ने के लिए तब वो आवाज़ आती थी, जब से शादी हुई है तो उस घर में तो आती नहीं थी आवाज़, तो यहाँ पर आती है आवाज़ सुनने को बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम दरवाज़ा खोलते हैं, तो हम चलते हैं कमरे में। तो मैंने दुपट्टा ले लिया था बाहर देखना था, तो आप आंटी बैठी हुई थी, बहुत स्वीट सी आंटी थी, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है, तो मैंने सोचा कमरे में चलते हैं। तो ये दरवाज़ा कर देते हैं बंद, क्योंकि रोशनी काफ़ी ज़्यादा आती है, मुझे रोशनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये भी दरवाज़ा कर देते हैं बंद। हम थोड़ा सा करते हैं रास्ट, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे दुकान पर। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे व्लॉग्स तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सकता है। और मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, जिसने नहीं किया
और इंस्टाग्राम का नाम है सबा मुबारक 97। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी फ्रेंड्स, मेरा दिल कर रहा था पापड़ खाने को, तो मैंने बाहर के बच्चे से मंगवाए हैं दाल चावल, तो बहुत दिल कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खाना हो जाए। मेरा दिल कर रहा था कुछ नमकीन सा वो दाल ले आया, तो मैंने कहा टेस्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम में टेस्ट करने लगी किस तरह की है, तो 10 रुपये का तो पैकेट देखे कितना छोटा सा है। तो मैंने 3-4 और पापड़ मंगाया है, तो मैंने कहा टेस्ट करेंगे किस तरह के, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था नमकीन कुछ चीज़ खाने को, तो मैंने कहा क्यों ना टेस्ट किया जाए। तो मैं चेक करती हूँ किस तरह का है। जी फ्रेंड्स, खोलते हैं तो देखते हैं किस तरह का है। ये फ्रेंड्स दाल तो नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, दाल की शक्ल में पापड़ है ये। तो टेस्ट करके देखते किस तरह के। बहुत ज़बरदस्त और स्पाइसी से है, मसाला काफ़ी तेज है और मुझे तो बहुत पसंद है। सच में काफ़ी टेस्टी और मज़ा आ गया मुझे तो खा के। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी है। तो टाइम पास हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना पापड़ मंगाया जाए, तो टाइम पास भी हो जाएगा और दिल भी बहुत कर रहा था खाने को, तो इस वजह से फिर मैंने मंगवा लिया। जी फ्रेंड्स, मुझे दुकान पे जाना नहीं पड़ा, तो सब्ज़ी वाला आ गया था तो मैंने गोभी ले ली, मटर उसके पास थे नहीं, तो मैंने सोचा था आज आलू मटर बनाएंगे, पर उसके पास मटर ख़त्म हो गया था, तो मैंने गोभी ले ली। फिर तो किलो गोभी ले ली है मैंने, तो मैंने कहा चलो आज गोभी बना लेंगे, तो हस्बैंड को परांठे बना देंगे, इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा गोभी ले ली, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि हम हर दफ़ा परांठे ही बनाते हैं गोभी वाले, तो इसलिए हम थोड़ी सी ज़्यादा गोभी लेते हैं। अगर आधा किलो लेंगे तो वो बिल्कुल कम बनेंगे, तो उसके परांठे नहीं ज़्यादा बनेंगे। तो फिर यहाँ पर मैंने गोभी और मटर भी मटर कहने लगे, गोभी और तो टमाटर भी ले लिए थे, तो क्योंकि टमाटर ख़त्म हो गए थे, तो इस वजह से फिर मैंने टमाटर भी ले लिया, धनिया तो साथ ही उन्होंने दे दिया था। तो अब फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, मैं ना सोने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे आवाज़ आई सब्ज़ी वाले की, तो मैंने जल्दी जल्दी उठी तो सब्ज़ी ली, तो मैंने कहा मुझे शॉप पे जाना ना पड़े सब्ज़ी, फिर आई तो मैंने सब्ज़ी ले ली, सब्ज़ी वाला आया तो मैंने फिर सब्ज़ी ले ली। तो अभी जब गैस आएगी 6 बजे तो तब भी मैं रखूँगी, तो तब तक के लिए 2 घंटे मेरे पास हैं, तो मैं तब तक के लिए सो जाती हूँ। जी फ्रेंड, शाम का टाइम हो गया तकरीबन 6:30 हो गया, तो अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ सब्ज़ी वगैरह, सारा कुछ कटिंग करके मैंने रख दिया, और यहाँ पर मैंने गोभी वॉश कर ली है, कटिंग करके वॉश की है, तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट, तो टमाटर भी साथ, हरी मिर्चों का भी साथ ही मैंने पेस्ट बना दिया था, और साथ में यहाँ पे है प्याज, प्याज की भी मैंने साथ ही कटिंग कर ली थी। अब मैं जल्दी से घी ऐड करती हूँ पतीली में, तो चूल्हे पे मैंने रख दी है पतीली कम आंच करके, और मैं ऐड कर देती हूँ घी। जी फ्रेंड्स, मैंने घी ऐड कर दिया, अब अच्छे से गर्म हो जाए, तो फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे प्याज। तो अभी हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए, 6:30 हो गया, हस्बैंड अभी तक भी नहीं आए, आज फिर लेट हो गया लगता, तो पता नहीं इस घर में ही लेट हस्बैंड आ रहे, वहाँ पे तो जल्दी आ जाते थे, वहाँ पे मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाता था और टाइम भी जल्दी गुजर जाता था वहाँ पे, यहाँ पे गुजरता ही नहीं, अकेली होती हूँ ना वहाँ पे, यह था कि आंटी होती थी तो आंटी की तरफ भी चली जाती थी, यहाँ पे तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, चलो हस्बैंड ने काम भी करना ज़रूरी है, काम नहीं करेंगे तो खाएं पिएंगे कैसे। अब वैसे भी दिन बड़े हो रहे हैं और रातें छोटी हो रही हैं, तो गर्मियाँ जो आ रही है तो अब ऐसे ही होगा, दिन बड़े होते जाएंगे आस्ते आस्ते। तो यहाँ पे हमारा घी हो गया अच्छे से गर्म, तो अब मैं ऐड कर देती हूँ प्याज, अच्छे से
तो मैंने प्याज भी ऐड कर दिया, वह हल्का सा ब्राउन होता है, तो फिर इसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा हो गया मसाला बिल्कुल रेडी, तो घी भी ऊपर आ गया अच्छे से। तो अब हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। तो अब हम ना गोभी ऐड कर देते हैं इसमें। तो मैंने आलू ऐड किए है, तो आलू को अच्छे से ना मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम गोभी भी ऐड कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने सारी गोभी ऐड कर ली है, तो अब इसको ना अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। जी फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और हम ढक्कन ऊपर दे देते हैं। तो रात को हम कर लेते हैं वॉश। चलो जी, हमारा काम तो हो गया है फिनिश। चलो अब हम चलते हैं कमरे में। जी फ्रेंड्स, हस्बैंड आ चुके हैं और मेरा खाना भी बिल्कुल रेडी होने वाला ही है, और सालन में बिल्कुल कम पानी रह गया, वो भी जल्दी से खुशक हो जाएगा। तो फिर मैं धनिया ऐड करके जल्दी से बना लूँगी खाना वगैरह। तो हो रही है शकिन जाने, तो हमारा खाना भी जल्दी से रेडी हो जाए। यहाँ पे देखें, बिल्कुल हल्का हल्का पानी रह गया और हमारी गोभी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो धनिया फ्रिज से ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं धनिया भी ले आई हूँ, और पानी जल्दी से हमारा खुशक हो जाए तो मैं खाना भी बना लेती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं पेड़े बना लेती हूँ, तो फिर जैसे ही हमारा सालन रेडी होगा तो मैं साथ ही रोटियाँ भी बना लूँ। जी फ्रेंड्स, सालन रेडी हो गया। अब मैंने तवा रख दिया, तवा गर्म हो रहा था, तब तक मैं रोटी भी बेल लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा हो गया बन गया है खाना, तो मैं लेकर जाती हूँ कमरे में। तो काफ़ी खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, तो बन तो पानी ला कर दे देती हूँ हस्बैंड को। जी फ्रेंड्स, मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया, क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं है, तो मैं बना लेती हूँ चाय। तो चाय के लिए दूध फ्रिज से ले लेती हूँ, हस्बैंड आते हैं दफ़ा दूध भी लेते आते हैं। तो अब हम ना जल्दी से चाय बना लेते हैं, जब तक हस्बैंड खाना खाते तब तक हम बना लेंगे, चाय भी हमारी रेडी हो जाए। जी फ्रेंड्स, मैंने चाय रख दी। जी फ्रेंड्स, जब तक हमारी चाय रेडी होती है तब तक मैं वॉश कर लेती हूँ टिफ़न, और यहाँ की थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी यहाँ से कर लूँगी, तो जितनी भी हो सके तो हमारी चाय भी तब तक रेडी हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई, हस्बैंड ने खा लिया था खाना, तो मैं बर्तन ले आई हूँ बाहर। तो मैं अपने लिए रोटी ना बना ली थी, जब मुझे भूख लगेगी मैंने सोचा तब मैं खाऊँ। तो यहाँ पर उबाला भी आ चुका है, तो अब हम कर देते हैं बंद। तो यहाँ पर मैंने टिफ़न वॉश करके रख दिया, और यहाँ से अभी मैंने क्लीनिंग करनी है। तो अब चाय डाल के ना हस्बैंड को देख कर आती हूँ। तो यहाँ पे चाय डाली, तो हस्बैंड को देख कर आते हैं कमरे में चाय, तो फिर आकर बाहर से क्लीनिंग करूँगी। तो अब हम चलते हैं बाहर क्लीनिंग, रोटी को बेल पौने में बेल लेते हैं रोटी को। तो यहाँ पर मैंने रोटी को कवर कर दिया है, तो अब हम रखते हैं रोटी को यहाँ पर रख देते हैं, और ऐसे करती हूँ सालन को भी रखती हूँ ऐसे, तो फिर इसके ऊपर इस तरह रख देते हैं। तो अब यहाँ से हम करते हैं क्लीनिंग, पानी गिराते हैं। चाय वाला ढक्कन सही से रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे अब यहाँ से करते हैं हम क्लीनिंग। तो अब यहाँ से करना शुरू करते हैं क्लीनिंग। तो यहाँ पे हो गई हमारी अच्छे से क्लीनिंग, तो कपड़े को अब हम रखते हैं।
जी फ्रेंड्स, हमारे घर के हो गए काम सारे ख़त्म, फिनिश हो गए हैं। बस साथ साथ काम करते रहो तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अगर साथ साथ काम ना करो फिर एक साथ ही ना बहुत ज़्यादा काम लगते। मैं तो साथ साथ ही सारे काम करते रहती हूँ, बर्तन अक्सर ढकने नहीं देती, साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ क्योंकि टाइम कम लगता है। फिर ऐसे ज़्यादा बर्तन हो जाए तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं अपनी वीडियोस को यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। तो मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर जाकर फॉलो कर लीजिएगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ, जाकर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट दिन नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह बाय।